ये है बुद्ध विहार, जग ज्योति बुद्ध विहार है। और आप देख सकते हैं कितना विशाल बुद्ध विहार है। और आइए हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। ये आप देख सकते हैं देखिए आप, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बगीचा बनाया हुआ है जिसमें एक पौधे लगा रखे हैं, घिया की बेल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल का पेड़ जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, ये देखिए आप। यहाँ पर एक रूम बनाया हुआ है, ये बोधि वृक्ष है। ये बोधि वृक्ष वो वृक्ष है जो बोध गया से लाई हुई टहनी का जो पेड़ बना हुआ है, ये उसी का ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर घास उग चुकी है। और आप ये हमारी बात हुई थी इसको काटने की, ये काटेंगे इसको बाद में, और बाकी हम आपको और चीज़ दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बारिश का, बिल्कुल बारिश हो रही है। और यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है जो यहाँ पर आराम से लेटे हैं, ये तथागत बुद्ध। ये परिनिर्वाण जब उनका हुआ तो ये उस समय का था। और उसके बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भंते जी की तस्वीर है, और ये भंते जी काफ़ी पुराने रहे होंगे। यह जो भंते जी आप देख रहे हैं स्टैचू भंते जी की, ये और आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। और ये कितना अच्छा आज मौसम है, आज देख सकते हैं आप। और आप ये भी देखिए कितना बड़ा बुद्ध विहार है, ओहो इतना सुंदर बुद्ध विहार है, बड़ा अवसर का मौका है। और आप देखिए खूब बारिश हो रही है। और इस बुद्ध विहार को आप चारों तरफ देखिए, पीछे की तरफ जो पीछे की तरफ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये शौचालय है, ठीक है। तो यहाँ भंते जी रहते हैं इनमें। आइए हम आपको लेके चलते हैं जो बुद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार के अंदर ये जाने का रास्ता है अंदर। आइए हम इस जैसे चलते हैं अंदर, ये देखिए ये हम अंदर जा रहे हैं। और आप देखिए कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना बड़ा विशाल बौद्ध विहार है। इस विहार को देखिए आप, आप देख सकते हैं सामने हमारे तथागत बुद्ध की स्टैचू रखी हुई है, और बड़ा सुंदर, इतना सुंदर कि इतना सुंदर कि मन मोह ले। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बुद्ध विहार है। आप हमेशा आए यहाँ पर, ये देखिए कितना सुंदर, इतना अद्भुत बुद्ध विहार, बहुत सुंदर दिख रहा है, ये देखिए। साथियों ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम आपके पास अधिक से अधिक जानकारी ला सके। और हमारा चैनल जो है ये धर्म प्रचार के लिए बनाया गया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।